हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, सलमान अली यानी कि प्यारे से कैप्टन SS3 के, जो SS2 में भी हुआ करते थे यानी कि सुपरस्टार सिंगर 2 के वही कलाकार, वही कैप्टन अब दिखाई दे सकते हैं इन SS3, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं है ना। वो सिर्फ बताने आए हैं कि हमारा एक शो आने वाला है, बहुत जल्दी बच्चों को ढूंढने वाले हैं, ये सब चीजें कहते हुए चलिए मान लेते हैं यही कलाकार है, यही कैप्टन से। और झलक दिखला जाके मंच पर आए थे बताने के लिए, जहां पर पवनदीप ने गाया था सतरंगा, अरुणिता ने वे कमलेया गाया, दानिश का झूम बराबर झूम था, साइली का खतूबा था और सलमान ने मस्त है मस्त है मस्त कलंदर ये वाला गाना गाया था। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, संडे वाले दिन भी पवन, सलमान और श्रीराम का बुलेया ये वाला गाना आया था। जैसा कि वो बोल रहे थे कि यू नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग कि इंटरनेशनल के अलग अलग टाइम में रहे हुए विनर्स एक साथ एक मंच पर गा रहे हैं, तो यार वो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। श्रीराम का अपना चार्म है क्योंकि अब तो वो डांसर भी बेहतरीन निकल कर आ रहा है, वही सलमान के अपने फैन है और पवन के तो फैंस का क्या कहना, पर मैं जुड़े ही हुए इतने समय से तो मुझे प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। यस, ऑल थ्री ऑफ देम वर लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब फ्रेंड्स, ऐसे में थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ घंटे पहले की अगर मैं बात करती हूँ कि निधि मुनी सिंह जो कि प्रोडक्शन से जुड़ी रही हैं, उनका कुछ एक वीडियो भी आया था जिसमें कि ये पांचों कलाकार फोटोशूट कर रहे हैं, वो भी क्रोमा पर, तो वो देखकर समझ में आ रहा था कि पूरी तैयारियां तो हो रही हैं और धमाल हो गए इसमें कोई, मैं व्हाट टू टॉक अबाउट इट, व्हाट टू से अबाउट इट, इट इज गोइंग टू बी अ बिग धमाल, क्योंकि ये जहां पर रहते हैं संगीत के पार्की हैं तो कान भी उतने ही पक्के हैं इन लोगों के। कुछ एक लोग तानसेन होते हैं, कुछ एक लोग कानसेन होते हैं, मैं कानसेन हूँ, लेकिन ये जो कलाकार इंडियन आइडल के और SS3 के हैं, ये तो तानसेन भी और कानसेन भी हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर वो बच्चों को ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छे बच्चे लेकर आने ही वाले हैं। जनवरी है, कभी भी आ जाएगा अब इनका, कभी भी यू नो दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर किड्स। अब फ्रेंड्स, ऐसे में ना उड़ती उड़ती खबर है, मैं कंफर्मेशन दे नहीं रही हूँ और बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस बात को बिल्कुल स्टैंप पेपर और स्टैंप लगाकर मान लीजिए, लेकिन उड़ती उड़ती खबर है, ग्रेपवाइन है और सुनी सुनाई बात है कि SS3 कब आ रहा है। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है और जहां तक मेरे तर्क कहता है कि इंडियन आइडल को रिप्लेस करने के लिए SS3 आने वाला है, तो डेफिनेटली ये बात तय होती है कि SS3 अगर रिप्लेस कर रहा है इंडियन आइडल को, तो इंडियन आइडल कभी तो खत्म होगा, तो कब खत्म होगा। तो भाई अभी तक तो मेरे इंडियन आइडल 14 के जो ओबोम है, उत्कर्ष है, मुस्कान है, सुबोदीप है और मेनुका है, आद्या है, इन सब की जो टोली है बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, लेकिन जहां तक मालूम पड़ रहा है कन्फर्म्ड नहीं है, शायद ये फरवरी के एंड में फिनिश हो जाए। लीप ईयर है लेकिन फिर भी अगर फरवरी की हम ये भी देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, तो 25 तारीख तक खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी कि 3 मार्च से आप SS3 देख सकते हैं। अगेन ये कंफर्म नहीं कर रही हूं, ये ग्रेपवाइन न्यूज है, इसके कंफर्मेशन मिलते ही आपको कंफर्म्ड बताकर स्टोरी बना देने वाली हूं। लेकिन अभी तक ये मानकर चली कि फेब एंड से कभी भी अब आपके सामने SS3 आ जाने वाला है। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। आप भी इंतजार कीजिए और हाँ, कंफर्म न्यूज डेफिनेटली कुछ दिन में लेकर आ जाऊंगी जैसे ही मुझे मालूम पड़ जाती है। जय हिंद।